हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नौकरी अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको थंबनेल से पता लग ही चुका होगा कि यह जो वीडियो होने वाला है किस टॉपिक पर होने वाला है। 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती जो होने वाली थी, वह मामला हाई कोर्ट में जा चुकी थी, यानी उसका मामला हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको सारा अपडेट बताऊँगा कि अभ्यर्थी को कितने नंबर पर पास किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं एक आर्टिकल रीड करके कि आपका जो, अगर आप भी 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर फार्म को अप्लाई किए थे तो आपका जो मामला हाई कोर्ट में जा चुका था तो उसका मामला आ चुका है, फैसला आ चुका है। तो देखिए, यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ अंक पासिंग मार्क मामले का केस हाई कोर्ट की लखनऊ में लंबित था, जिस हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने भर्ती को 3 माह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार द्वारा 7 जनवरी 2019 को तय किए गए भर्ती परीक्षा के मानकों 90/97 पर न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह अध्यक्षता वाली लखनऊ खंडपीठ की बेंच अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और अन्य अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60% अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 65% और 60% मार्क पाकर ही अभ्यर्थी को पास किया यानी उत्तीर्ण किया जाएगा। आपको हम बता दें कि लखनऊ हाई कोर्ट ने 69,000 भर्ती मामले पर लंबी सुनवाई के बाद विगत 3 मार्च 2020 को अपना आर्डर रिजर्व कर लिया था। प्राथमिक स्कूलों की यह भर्ती कट ऑफ अंक पासिंग मार्क पर विवाद होने के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक कोर्ट में फंसी रही। इस 69,000 पदों की भर्ती के इंतजार में तकरीबन 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी कोर्ट के आर्डर के आस लगाए बैठे थे। आज कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानकों को सही माना है, जिससे अभ्यर्थियों से खुशी लहर दौड़ गई है। लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार के बेंच ने याची सर्वेश प्रताप सिंह व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाया है। बेसिक स्कूल में शिक्षकों के 69,000 पदों के भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 सरकार द्वारा शासन आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत भर्ती के पात्र अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों ने 6 से लेकर 20 दिसंबर 2018 तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए। ऑनलाइन माध्यम से इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कुल 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था। शासनादेश और अपने पूर्व निर्धारित समय पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को हुआ। यह परीक्षा यूपी के 800 परीक्षा केंद्रों पर नियमानुसार ढंग से कराई गई। 4,10,440 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अन्य 21,026 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी थी। परीक्षा के एक दिन बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कट ऑफ अंक निर्धारण संबंधित शासनादेश शासन द्वारा जारी किया, जो कि विवाद की जड़ बन गया। आखिर क्या थी भर्ती में विवाद? तो दोस्तों, इसे भी जान जाइए। शासन द्वारा जब भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक की कोई बात नहीं की गई थी, या कट ऑफ कितना होगा इसका भी जिक्र विज्ञापन में नहीं था। सरकार ने लिखित परीक्षा के ठीक अगले दिन यानी 7 जनवरी 2019 को न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित करने की घोषणा कर दी, और इस आदेश में कहा गया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 97 अंक अर्थात 65% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तीर्ण माना जाएगा, तथा अन्य समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60%
एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक 2019 में उत्तीर्ण माना जाएगा। सरकार के इस कट ऑफ अंक के आदेश को लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर चली लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज दिनांक 6 मई 2020 को कोर्ट ने सुनाया है, यानी कल बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। अभ्यर्थियों की मांग क्या थी ये भी जान जाइए। अभ्यर्थियों की यह मांग थी कि विगत 68,500 शिक्षक भर्ती जिस कट ऑफ पर हुई थी, उस कट ऑफ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को किया जाए। हम आपको जानकारी दे दें कि 68,500 शिक्षक में सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45 व आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ अभ्यर्थी पुरानी भर्ती कट ऑफ अंक लागू करने की मांग कर रहे थे तथा कुछ अभ्यर्थी शासन की ओर से जारी कट ऑफ अंक के समर्थन में थे। तो आज के इस फैसले में जो सरकार द्वारा लगाई गई कट ऑफ के समर्थन में उन्हें जीत मिली है। तो दोस्तों, अगर आप 150 में से 90 अंक लाते हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, यानी आपके पास 60% और 65% मार्क हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो इस भर्ती में आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।